कॉमेडी किंग कपिल शर्मा हाल ही में फिर से पापा बने हैं। कपिल की वाइफ गिन्नी चतरथ ने 1 फरवरी को बेटे को जन्म दिया है, जिसकी खुशी खुद कॉमेडी किंग ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के जरिए फैंस के साथ शेयर की। कपिल के पोस्ट पर फैंस अब तक प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, साथ ही लोग कपिल के परिवार के खुश रहने की कामनाएं करते भी देखे जा सकते हैं। वहीं एक शख्स ने कमेंट कर कपिल के बेटे का नाम पूछा, जिस पर कपिल शर्मा ने जबरदस्त प्रतिक्रिया दी है। फैंस और सेलेब से मिल रही बधाइयों को देखते हुए कपिल शर्मा ने हाल ही में एक और पोस्ट किया है, जिसके जरिए कॉमेडी किंग ने शुभकामनाओं के लिए सभी का आभार जताया है। कपिल ने ट्वीट में लिखा, हमारे नन्हे बेटे के लिए आप सभी के प्यार और आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। जिस पर कमेंट करते हुए एक फैन ने कपिल से पूछ डाला, बेटे का नाम क्या रखा है। इस पर कपिल ने जवाब देते हुए लिखा, धन्यवाद, अभी नामकरण नहीं हुआ है। कपिल के इस जवाब से साफ हो गया कि उन्होंने अभी तक अपने बेटे का नाम नहीं रखा है। साथ ही कपिल के बेटे का नाम जानने के लिए फैंस को अभी और इंतजार करना होगा। कपिल शर्मा ने 1 फरवरी को खुशखबरी देते हुए अपने ट्वीट में लिखा, नमस्कार, आज सुबह भगवान के आशीर्वाद से हमें एक बेटा हुआ है। भगवान की कृपा से बच्चा और माँ दोनों स्वस्थ हैं। आप सबके प्यार, आशीर्वाद और प्रार्थनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि कपिल शर्मा और गिन्नी चतरथ दूसरी बार पेरेंट्स बने हैं। इससे पहले गिन्नी ने 2019 में एक बेटी को जन्म दिया था, जिसका नाम अनायरा है। कपिल अक्सर ही अपनी बेटी की साथ की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर साझा करते रहते हैं, साथ ही फैंस भी अनायरा की क्यूटनेस को भरपूर प्यार देते हैं। कपिल शर्मा और गिन्नी चतरथ की शादी दिसंबर साल 2018 में हुई थी, जिसकी तस्वीरें काफी लंबे समय तक सोशल मीडिया पर छाई रही।